हम और तुम क्या हम पहुँच गए? हेनरी, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, माय मदर। कीड़े को इंग्लिश में क्या बोलते? रुको, ये मजेदार कैंप है। तुम्हें कैसे पता? बुद्धू, राज पिछले साल गया था। यहाँ 3 पूल है और 124 टीवी चैनल। वहाँ चलो डैडी। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो डैडी। नहीं, हम वहाँ नहीं रहेंगे हेनरी। हम सच में कैंपिंग करने वाले हैं, नेचर का मजा उठाने वाले हैं। नेचर नहीं। ये तो कचरे का डिब्बा है। बस करो हेनरी, यही तो असली मजा है। टीवी कहाँ है? अच्छा है ना टीवी नहीं है, वरना कितना शोर होता। पूल कहाँ है? पूल नहीं है, हम तालाब में तैरेंगे। टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट भी नहीं है। क्या? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वहाँ है। ये टॉयलेट है? ये है सचमुच की कैंपिंग। ओह हाँ डैडी। गुड मॉर्निंग झाड़ियों, गुड मॉर्निंग बर्डीज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। सिटी बॉय। मुझे लगता है इन्होंने मुझे स्वागत है कहा। हेनरी जरा वो लकड़ी ला कर दो। अरे अरे, कितना बदतमीज लड़का है। हम उस मजेदार काम में क्यों नहीं रह सकते? सोने के लिए नरम गद्दे, नहाने के लिए गर्म पानी, उसे रियल कैंपिंग नहीं कहते। गुड मॉर्निंग कैंपिंग। हम यही रहने वाले हेनरी, तो अब बकबक बंद करो और एंजॉय करना सीखोगे तो अच्छा रहेगा। इससे बुरा कुछ हो भी सकता है क्या? जो भी आखिरी आएगा वो महाडरपोक। कितना अच्छा है, आ जाओ तुम दोनों आओ। पूल से भी अच्छा है ना पीटर। बहुत अच्छा। हेनरी तुम भी आ जाओ। कभी नहीं, इस कीचड़ में सांप ने काटा तो। सांप? अभी थप्पड़ पड़ेगा, जल्दी पानी में आओ। नहीं चलो, थोड़ी मिट्टी से कुछ नहीं होता। मुझे नेचर बकवास लगता है। वो क्या था? पता नहीं, शायद भेड़िया हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रहे हो। तुमने क्या नहीं सब? नहीं मैंने नहीं किया। देखा, वो मैं नहीं था। वो शायद उल्लू की आवाज है। या तो भेड़िया उल्लू की एक्टिंग कर रहा होगा, भेड़िये बहुत शाने होते हैं। अच्छा तो फिर गुड नाइट। ओ हेनरी, मुझे टॉयलेट जाना है। तो जाना। कितना अंधेरा है, और अगर मुझे वो मिल गया तो वो भेड़िया। जाना, मैं टॉर्च लेके पहरा देता हूँ। वैसे भेड़ियों को लाइट अच्छी नहीं लगती। जा। अब तुम बिल्कुल सेफ हो। यहाँ बहुत अंधेरा है और बदबू भी है। हेनरी, हेनरी, हेनरी!
निकल जाओ। सॉरी गलत है। फिर से आओगे तो छोड़ूंगा नहीं। हेनरी ये सब क्या हो रहा है और पीटर कहाँ है? पीटर सो रहा है। मामा हेनरी ने मेरे टॉर्च ले ली और मुझे टॉयलेट में बंद कर दिया। हेनरी मुझे पता है मैं अब थप्पड़ खाऊंगा, मुझे घर भेज दो प्लीज। तुम घर नहीं जाओगे, डैड को यहीं रहना है नेचर के पास, इसलिए तुम भी यहीं रहोगे। हम घर के पिछवाड़े में क्यों कैंप नहीं कर सकते, वो भी नेचर ही है और कम से कम अच्छे टॉयलेट्स है। बकवास बंद करो, हम छुट्टी मनाने आए हैं। चलो बेटा पीटर। मुझे लगा छुट्टी का मतलब यहाँ के सब लोग एंजॉय करेंगे नेचर है। आइडिया फटे। नेचर के पास रहना है ना इन्हें, अब रहेंगे ये नेचर के बहुत पास। Morning, Dad. गंदी हो गई। ओह ये पागल पागल भेड़ कहां से आ गए? ओह मामा क्या हुआ पीटर बेटा, क्या हुआ? हाँ वो भेड़िया वहां पर कुछ भी नहीं है बेटा। बनी तुम तो बहुत डरावने हो। मैं बोर हो रहा हूँ। मैं नहीं, क्या हम लोग वॉक पे चले? बहुत अच्छा आइडिया पीटर। मगर जोर से बारिश हो रही है। कुछ नहीं ये तो छोटी मोटी बूंदे हैं। ओह मुझे बारिश पे चलना पसंद है। ठीक है, तुम यहाँ रह के आग जलाने के लिए लकड़ी जमा करोगे। मैं अब लकड़ियाँ कहाँ से ढूंढूं? जंगल से, और कहाँ से? और याद रहे वो सूखी होनी चाहिए। कौन था वो? मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। यहाँ कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। फायरफूल ऐसे मत करो, फायरफूल मेरी बैग। अरे अरे क्या होगा? मजा गया। तुम बहुत अच्छे हो हेनरी, जो इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर आए। लगता है बारिश होने वाली है, चलो सोने चलो। क्या? मामा, मैं पूरा भीग गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सारे टेंट्स गिर कैसे गए। मुझे घर जाना है। मुझे तो लगा तुझे नेचर बहुत पसंद है। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद नहीं है।
देखो पीटर, रोना नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक फट्टे आइडिया है। वैसे ये कैंप उतना भी बुरा नहीं है। और कितना अच्छा लगता है जब दोनों बच्चे एक साथ खेलते हैं। मगर ये 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 अब मजा आएगा। इसे कहते हैं कैंपिंग बॉस।